बरेली मादक पदार्थों की अवैध रूप से तस्करी करने वाले दो अभियुक्तों को सीबीगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से 5.5 किलोग्राम अफीम बरामद की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निर्देशन में जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में थाना सीबीगंज पुलिस टीम द्वारा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर क्राइम ब्रांच ऑफिस से पहले हाईवे किनारे एकांत में खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी से दो अभियुक्त राजीव कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय छोटेलाल गुप्ता निवासी लाइन पार रोड कस्बा थाना फरीदपुर, दूसरा दलविंदर सिंह पुत्र स्वर्गीय काका सिंह निवासी नवादा वन थाना फरीदपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 5.5 किलोग्राम अफीम, एक स्कॉर्पियो गाड़ी नंबर H41 व दो अदद मोबाइल बरामद हुए। अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि वे झारखंड से अफीम लाकर पंजाब ले जा रहे थे। थाना सीबीगंज पुलिस ने अफीम के गिरफ्तार कर मुकदमा NDPS एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम में उपनिरीक्षक विश्वदेव सिंह, उपनिरीक्षक हर सिंह पाल, हेड कांस्टेबल रुपेंद्र सिंह, कांस्टेबल कपिल और सुमित मौजूद थे। देखिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के निर्देशन में शासन की मंशा के अनुरूप अवैध जो NDPS तस्करी है उसका अभियान चलाया जा रहा था, उसी के क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है। सीबीगंज पुलिस को SOG और उनकी टीम के माध्यम से चेकिंग लगाई गई थी मुखबिर की सूचना पर। तो ये लखनऊ दिल्ली जो हाईवे है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है उसके पास सफ़ेद स्कॉर्पियो में दो व्यक्ति जो जिनका नाम राजीव कुमार और दलविंदर सिंह है, इनकी जब इनसे पूछताछ की गई, इनकी चेकिंग की गई, इनके पास से लगभग 5.5 किलो अफीम प्राप्त की गई, बरामद हुई इनसे। और ये जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो है इसको जो है अफीम जो है ये पंजाब लेके जा रहे थे। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, उसमें भी वहाँ पर पंजाब में इनकी डेट लगी हुई थी और ये बड़ी बरामदगी है। इनसे पूछताछ में इन्होंने ये भी कबूला है कि ये इसका जो कच्चा सामान है, रॉ मटेरियल है, ये झारखंड से इन्हें प्राप्त होता था और अन्य लिंकेज भी हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं और ये नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजे जा रहे हैं। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।